क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को बर्बाद कर देगा या फिर भारत की किस्मत बदल देगा? अमेरिका में इलेक्शन कैसे होते हैं और कैसे ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत गए? इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे, क्योंकि जो हम हैं वो आने वाले टाइम के लिए टाइम बॉम्ब है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। इसके लिए 3 क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। पहला, अमेरिका में पैदा हुआ नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 35 साल की उम्र तो होनी ही चाहिए। अब तीसरा और आखिरी, अमेरिका में कम से कम 14 साल रहा होना चाहिए। अब इन 3 शर्तों को पूरा करने वालों की अमेरिका में कमी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। दरअसल अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से पहले लोगों को समझाना पड़ता है कि भैया हम ही हैं अमेरिका का कर्ता धर्ता, हमको कैंडिडेट अनाउंस करो। खैर, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट बनता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है और ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म यानी सिर्फ 8 साल के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। जैसे जॉर्ज बुश, वो 2 टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। एक और नाम आता है ओबामा का, वो भी 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति रहे। और अब तीसरा और आखिरी नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उनका ये 2रा टर्म है। अब बात आती है पार्टी की। अमेरिका में 2 बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। और भी पार्टियां हैं जैसे ग्रीन पार्टी, पीस पार्टी, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ 2 के ही बने आज तक। इसके बाद दोनों पार्टियों को अपना अपना कैंडिडेट चुनना होता है। अब होता क्या है कि इन दोनों पार्टियों के अंदर भी कई कैंडिडेट होते हैं, तो पहले चुनाव ये होता है कि इन दोनों पार्टियों का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। अब इसके लिए हर राज्य में दोनों पार्टियों के कई नेता होते हैं। इन नेताओं के वोटों से डिसाइड होता है कि दोनों पार्टियों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। कुल मिलाकर जून महीने तक ये तय करना होता है कि कौन किस पार्टी का कैंडिडेट है। इसके बाद दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आपस में डिबेट करते हैं। ये कोई चील कौवा वाली डिबेट नहीं होती, बल्कि प्रॉपर डिबेट होती है जो कि टीवी पे लाइव चलता है। इसी डिबेट के बाद मामला सेट हो जाता है कि जनता किसको वोट देगी। जैसे हाल ही में ट्रंप और कमला हैरिस का डिबेट हुआ, जिसमें ट्रंप का पलड़ा भारी था और वो जीत भी गए। अब आ जाते हैं वोटिंग डे पर, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग अलग होता है। जनता सीधा प्रेसिडेंट को वोट नहीं करती, बल्कि ये वोट किया जाता है इलेक्टर के जरिए। पूरे अमेरिका में लगभग 538 इलेक्टर हैं, जो कि अमेरिका के हर एक स्टेट में डिफाइन है। क्योंकि टोटल में से 538 इलेक्टर है, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए हाफ वोट क्रॉस करना होता है, जो कि 270 इलेक्ट्रल वोट होता है। मतलब जिस पार्टी के कैंडिडेट ने इसका हाफ वोट क्रॉस कर लिया यानी 270 वोट ले आया, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। इसके बाद 20 जनवरी तक पुराने प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं, ताकि नए वाले को काम समझाया जा सके, और फिर 20 जनवरी को नया प्रेसिडेंट काम संभाल लेता है। अब भाई, अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव कैसे जीते, ये तो समझ गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि भाई साहब, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एक कहावत भी तो है, अमेरिका को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुखाम हो जाता है। तो ऐसे में भारत के बारे में बात करना भी जरूरी है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम के एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकियां अपनी जगह है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच बिजनेस की बात करें तो इंडिया के लिए अमेरिका बहुत ही बड़ा मार्केट है। भारत अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात और दवाएं वगैरह बहुत भेजता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार फायदे का सौदा है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर यानी करीब 3,55,000 करोड़ का सामान खरीदा, जबकि इंडिया ने इस दौरान अमेरिका को 6,52,000 करोड़ का सामान बेचा। लेकिन साल 2017 में ट्रंप के पहले टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग करार दिया था। अपने टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर कई तरह की धमकी दी थी। अब इन सब बातों से लगता है साहब कि ट्रंप के फिर से आने से इंडिया को अमेरिका में सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अब यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, ट्रंप से फायदा भी हो सकता है। दरअसल जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी के एक रिपोर्ट में कहा गया है, अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, जिससे भारत को फायदा हो सकता है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से इंपोर्ट में लगभग 60% और बाकी दुनिया पर 10-20% टैरिफ लगाने की अपनी मनसा जाहिर की है, जिसके चलते अमेरिकी लोगों को इन चीजों को भारत से खरीदना मजबूरी हो जाएगा, जिसका मतलब अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर, ये तो सिर्फ अभी उम्मीदें हैं, ये देखना अभी बाकी है कि क्या ट्रंप इंडिया के ट्रंप कार्ड बनते हैं या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत देश।